Hey everyone, welcome back to my channel Cane of Biology with Ashna Siddiqui. So today's topic are phylum protozoa. First of all, we will know why they are called protozoa. It is a Greek word, protozoa. Proto means primitive, zoa means animals, मतलब ऐसे animals जो कि बहुत primitive हैं, या हम कह सकते हैं सूक्ष्म प्रकार के हैं, जिन्हें हम naked eye से नहीं देख सकते हैं. ऑल्सो नोन एज फर्स्ट एनिमल. प्रोटोजोआ के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं उन्हें हम फर्स्ट एनिमल भी कहते हैं. अब चलते हैं हम इनके जनरल करेक्टर्स की तरफ. नंबर फर्स्ट जो है हमारा ए सेलुलर मीन्स नॉट डिवाइडेड इनटू सेल्स. ये सेल्स में डिवाइड नहीं होते हैं और कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल कॉम्प्लेक्स सेल. नंबर सेकेंड जो है हमारा बॉडी कंसिस्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक मास. इनमें इनकी बॉडी में प्रोटोप्लाज्मिक मास होता है. नंबर थर्ड, दे आर माइक्रोस्कोपिक, प्रिमिटिव एंड यूकैरियोटिक. इन्हें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते. प्रिमिटिव, बहुत सूक्ष्म प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमने बताया इन्हें हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, एंड यूकैरियोटिक होते हैं. नंबर फोर है हमारा हैबिटेट, एक्वेटिक, फ्री लिविंग, पैरासाइट, कमेंशल. एक्वेटिक पानी में पाए जाते हैं, फ्री लिविंग स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, पैरासाइट परजीवी जो दूसरे एनिमल्स पर निर्भर रहते हैं. फाइलम प्रोटोजोआ में एनिमल्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स पर निर्भर रहते हैं, एंड कमेंशल. नंबर फाइव जो है हमारा बॉडी एसिमेट्रिकल, बाइलेटरल, रेडियल. एसिमेट्रिकल मीन्स किसी भी एनिमल्स का, लाइक अमीबा, उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें और उनको बीच में से कट करें तो दोनों जो पार्ट हैं वो हमारे सेम नहीं होते. क्या नहीं होते? सेम नहीं होते. ऐसे ही बाइलेटरल है, अगर हम उसे बीच में से कट करें तो दोनों पार्ट सेम होते हैं, वो होते हैं हमारे बाइलेटरल. एसिमेट्रिकल में क्या था? दोनों सेम नहीं होते. बाइलेटरल में दोनों सेम होते हैं. एंड रेडियल, स्टारफिश, जस्ट एन एग्जाम्पल, स्टारफिश को हम दो, तीन, चार, जितने भी कट करें वो हमारे सेम होंगे, वो होता है हमारा रेडियल. नंबर सिक्स जो है हमारा बॉडी नेक्ड, कवर्ड बाय पेलिकल, शेल, सिस्ट. इनकी बॉडी नेक्ड होती हैं, पेलिकल से कवर्ड होती हैं, शेल में भी होती हैं, सिस्ट टाइप में भी होती हैं. नंबर सेवन जो है हमारा सीडोपोडिया, फ्लैजिला एंड सीलिया. लोकोमोशन किस टाइप से होते हैं इनमें? सीडोपोडिया, फ्लैजिला एंड सीलिया. सीडोपोडिया मीन्स फॉल्स लेग, जिनके अंदर फॉल्स लेग होते हैं. जब वो मैच्योर होते हैं तब वो गायब हो जाते हैं और वो एक जगह जाकर बैठ जाते हैं, कोई मूवमेंट नहीं करते हैं. फ्लैजिला एंड सीलिया, उनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी हेल्प से वो मूवमेंट करते हैं, जैसे कि हम आगे जाके पढ़ेंगे यूग्लिनॉइड मूवमेंट एट्सेट्रा. नंबर एट जो है हमारा न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इनमें हर टाइप्स होते हैं, होलोफिटिक टाइप, होलोजॉइक, सैप्रोफिटिक, पैरासाइट. यूग्लिना के अंदर ये दोनों टाइप से होते हैं, होलोफिटिक भी होते हैं एंड होलोजॉइक भी होते हैं. होलोफिटिक, होलो मीन्स होल, फिटिक मीन्स प्लांट, मतलब ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स पर निर्भर होकर अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं. नंबर सेकेंड होलोजॉइक, होलो मीन्स होल, जॉइक मीन्स एनिमल, जो कि एनिमल्स पर डिपेंड होकर अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं. सैप्रोफिटिक, जो डेड एनिमल्स की हेल्प से अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं. पैरासाइट परजीवी, जो हमने पहले पढ़ा था, दूसरे एनिमल्स पर निर्भर रहते हैं. नंबर नाइन जो है हमारा डाइजेशन, इंटरसेलुलर एंड फूड वैक्यूल. इंटरसेलुलर मीन्स जब डाइजेशन की प्रक्रिया सेल के अंदर होती है. क्या होती है? सेल के अंदर होती है, वो होता है हमारा इंटरसेलुलर. इसमें इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है एंड फूड वैक्यूल. नंबर टेन जो है हमारा रेस्पिरेशन, डिफ्यूजन रेस्पिरेशन होता है इनमें, जो कि बॉडी सरफेस पे होता है. एक्सक्रिएशन, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वाटर बैलेंस भी करता है ये एक्सक्रिएशन. एक्सक्रिएशन मतलब अपने बॉडी का वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना, लाइक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल
a vacuole in some protozoan which expulses liquid on contraction. नंबर 12 जो है हमारा रिप्रोडक्शन. फाइलम प्रोटोजोआ में रिप्रोडक्शन टू टाइप से होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी टू टाइप से होते हैं, बाइनरी फिशन टाइप एंड मल्टीपल फिशन. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी टू टाइप से होते हैं, गैमेट, कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. व्हाट? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. नंबर 13 जो है हमारा रीजनरेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इन फाइलम प्रोटोजोआ में होते हैं ये बहुत हाई कैपेसिटी में होते हैं. रीजनरेशन मीन्स कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी का पार्ट ब्रेक हो गया है या टूट गया है. जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल लिजार्ड होती है, उनकी टेल टूट जाती है और कुछ टाइम बाद दोबारा आ जाती है. वही है हमारा रीजनरेशन जो कि फाइलम प्रोटोजोआ में बहुत हाई कैपेसिटी में होते हैं. तो ये था हमारा फाइलम प्रोटोजोआ के जनरल करेक्टर्स जिनको हमने कंप्लीट स्टडी किया. आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट. एंड येस, डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल केन ऑफ बायोलॉजी विथ आशना सिद्दीकी. थैंक यू.